अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व यसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते ईमान वालो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को दुश्मनों के मुकाबले में जमा देगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले आए, आपके चेहरे पर कोई खास असर था। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं समझ गई कि कोई अहम बात पेश आई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बात नहीं की, हुजूर ने किसी से कलाम नहीं किया, वुज़ू फरमाया और वुज़ू फरमाकर हुजूर फौरन मस्जिद में तशरीफ ले गए। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं मस्जिद के दीवार से कान लगाकर सुनने लगी कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए। हजरत आयशा फरमाती हुजूर ने अल्लाह की तारीफ बयान की। अल्लाह की तारीफ बयान करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास ए लोगो इन्नल्लाह यकूलु लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे फ़ायदे के लिए फरमा रहे हैं, तुम्हारे नफ़े के लिए फरमा रहे हैं, मुरू बिल मारूफ अच्छी बातों का हुक्म करो, वनहौ अनिल मुनकर और बुरी बातों से रोको, क़बल अन तदउ फला उजीबु लकुम उस वक्त के आने से पहले जिस वक्त तुम मुझसे दुआएं मांगो और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल न करूँ, वतसअलूनी फला उतीकुम और तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हारा सवाल पूरा न करूँ, वतस्तनसिरूनी फला अनसुरुकुम और तुम मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद न करूँ। आज मेरे प्यारे दोस्तों मुसलमान न तादाद के एतबार से कम है, न मालो दौलत के एतबार से कमज़ोर है, उसके बावजूद मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज का मुसलमान सब कुछ है लेकिन कामिल मुसलमान नहीं है। आज का मुसलमान अक्सर कमाने में, खाने पीने में और कारोबार में ऐसा मगन है कि जुमा की नमाज और ईदेन की नमाज के अलावा कोई परवाह नहीं है। जी में आया नमाज पढ़ ली, जी में आया रोज़े रख लिए, जी में आया नमाज छोड़ दी, जी में आया रोज़े छोड़ दिए। और बहुत से खुश नसीब हज़रात ऐसे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज की तौफीक अता फरमाई है, वो पाँच वक्त की नमाज का अहतमाम करते हैं, रोज़ों का अहतमाम करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से हज़रात ऐसे जिनके न मामला सही है, न अखलाक दुरुस्त है, बल्कि गोया उनके नज़दीक दिन सिर्फ इबादत का नाम है, बाहमी मामला और लेन देन का दिन से कोई ताल्लुक नहीं।